हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, टुडे नेक्स्ट पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स ऑन रियल लाइन में डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे बेटा आप लोग रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत पहले पढ़े भी होंगे। एक क्वेश्चन दे रहा है, रिप्रेजेंट 2 होल 3 बाई 8। रिप्रेजेंट 2 होल 3 बाई 8, इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट? रियल लाइन के बारे में थोड़ा सा जानना है। देखो बेटा, ये रियल लाइन, रियल लाइन में ये 0 हो गया, 1, 2, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर लिखते हैं, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये आपकी क्या हो गई? रियल लाइन हो गई। ये क्या हो गई? रियल लाइन हो गई। रिप्रेजेंट किससे करना है? 2 होल 3 बाई 8 को। कहने का मतलब ये है बेटा कि 2 तो कंप्लीट 2 है ही है, उसके बाद क्या है? उसके बाद उससे और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 8 पार्ट है। 8 पार्ट में से कितने पार्ट को लेना है? 3 पार्ट को लेना है। तो कहने का मतलब ये बेटा, 2 तो कंप्लीट है लो, इसके बाद कितने पार्ट? 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये क्या हो गया? 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस पूरे इस डिस्टेंस को 2 और 3 के बिटवीन 2 एंड 3 की डिस्टेंस को हम क्या किए हैं? 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए। 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए। जब इस पूरे डिस्टेंस को हम 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, तो 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद कितना मुझे लेना है? 8 पार्ट में से कितना पार्ट लेना है? 3 पार्ट लेना है ना। देखो बेटा, जब फ्रैक्शन पढ़ रहे होगे तो ये पढ़ते होगे ना, 1/8 का मतलब ये है कि एक कंप्लीट जो भी है सेव है, उसमें से हमको क्या लेना है? हाफ लेना है। मतलब एक कंप्लीट में से 2 हिस्सा करना है, 2 में से कितना लेना है? 1 करना है, 1 लेना है। वैसे ही 8 पार्ट है, 8 पार्ट में से कितना लेना है? 3 लेना है। 8 पार्ट में से कितना लेना है? 3 लेना है, ठीक है। अब सुनो, 2 तो कंप्लीट है ही है, 1 एक डिस्टेंस क्या है, 1 2 3, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? 2 होल 3 बाई 8 का। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया? 2 होल 3 बाई 8 का। बेटा फिर से सुनो, 0 हो गया, 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर हम लिखते हैं रियल लाइन पे वो निगेटिव होती है, 0 के राइट साइड में जो नंबर लिखते हैं वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब देखो, 2 है, 2 होल 3 बाई 8 है, 2 और 3 के बीच में हम इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे? 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद कितना पार्ट उसमें से लेना है? 3 पार्ट लेना है। कितना पार्ट लेना है बेटा? 3 पार्ट लेना है, क्योंकि देख लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर ध्यान दो, ऊपर क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है ना, और नीचे क्या है? 8 है। 8 पार्ट में डिवाइड करना है, इसमें से कितना लेना है? 3 लेना है। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया? 2 होल 3 बाई 8 का। किसका हो गया? 2 होल 3 बाई 8 का। आगे देखते हैं, -1 होल 5/7, एक और रिप्रेजेंटेशन है, एंड -1 होल 5/7। अब देखो बेटा, -1 होल 5/7, यहाँ से ये -1 हो गया, -2 हो गया, कितने पार्ट में इस पूरे डिस्टेंस को डिवाइड करना है? 7 पार्ट, 1 पार्ट यहाँ से यहाँ तक, 1, 2, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 और 7। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जब हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, ठीक है।
राइट साइड में जाते हैं, इधर से काउंटिंग शुरू होती है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। अब एक बात बताओ, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा ये हो जाएगा -1/5/7 का ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है बेटा? क्योंकि देखो यहाँ पे -1 तो कंप्लीट है, -1 और 2 के बीच में कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 7 पार्ट में डिवाइड करना है। और 7 पार्ट में डिवाइड करने के बाद कितना पार्ट तुमको लेना है बेटा, उसमें से 5 पार्ट लेना है। ले लिया ना, यही ना हो गया 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा सा और रिप्रेजेंटेशन देख लो, रिप्रेजेंट 8/5। एक सेकंड बेटा, एक दूसरी रियल नंबर लाइन बनाते हैं, रियल नंबर। कर रहा है रिप्रेजेंट, एट बाई फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 0 हुआ बेटा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। इधर क्या हो गया, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और इधर भी एंड सो ऑन, ऐसे रियल लाइन क्या होती चाहिए, बढ़ती चली जाएगी। देखो बेटा 8/5 है, सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे। जब 8 को डिवाइड करोगे किससे, 5 से, तो 5 × 5 होता है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/3/5 लिख सकते हो ना, 1/3/5 लिख सकते हो। तो 1 तो कंप्लीट है, उसके बाद कितना, 3 किसमें, उसके बाद जो 1 और 2 के बीच जो स्पेस है, सॉरी वन और टू के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को 5 पार्ट में डिवाइड करना है। और 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसमें से कितना पार्ट लेना है, 3 पार्ट लेना है। ये 1 तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद 5 पार्ट डिवाइड करो, 1, 2, 3, 4। देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, ठीक है, 1, 2, 3। ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 1/3/5 और 8/5 का, किसका हो गया, 8/5 का, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन है -7/7 का, एक रिप्रेजेंटेशन है बेटा -11/7 का। 11 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स। रुक जाओ थोड़ा सा, देख लेना, देखो देखो 11 का 7 से डिवाइड करो तो 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 1/4/7, 1/4/7। और किसमें साइन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, -1/4/7। अब देखो यहां से माइनस होना है कंप्लीट, और उसके बाद 7 पार्ट में डिवाइड करना है इसको, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 एंड 7 पार्ट। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट। अब इस 7 पार्ट में से कितना पार्ट लेना है, 4 पार्ट लेना है। देखो 1, 2, 3, 4, इसको यहाँ पे खींच दो, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ -11/7, रिप्रेजेंटेशन ऑफ -11/7, ठीक है। यही है बेटा। और इसके बाद फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन
2 की फंडामेंटल नंबर नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर द डे। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए बेटा। थैंक यू।